परमा करुणा तब दुई जना हिताई गौर चंद्र परमा करुणा परम करुणा पहुदोई जना हिताई गौर चंद्र
लोचन दास ठाकुर जय लोचन दास ठाकुर जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय श्री लोचन दास ठाकुर की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशनाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातपं वन्दे श्रीगुरुतारिणी श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये दरवाजा बंद कर सकते हैं ना, नॉइस हो रहा है आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब, बहुत अच्छे से यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं मॉर्निंग प्रोग्राम, उसको आप लोग अटेंड कर रहे हैं, रोज हरिनाम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज श्रील लोचन दास ठाकुर जी का आज क्या है देखना, आविर्भाव है, तिरुभाव ना। तिरुभाव दिवस ना, तो श्री लोचन दास ठाकुर जी का आज तिरुभाव दिवस है। तो आज तो हमारे हम उनके बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जो सुंदर भजन, कई भजन लिखे हैं लोचन दास ठाकुर, तो ये जो भजन है इसका अर्थ हम पढ़ेंगे। परम करुणा बहु दुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। श्री गौरचंद्र और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम दयालु है। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार है। तो लोचनदास ठाकुर हम सबको कह रहे हैं कि भज भज भाई चैतन्य नितई सुदृढ़ विश्वास करी, एकदम सुदृढ़ विश्वास करके हैं, तुम श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को दृढ़ विश्वास पूर्वक भजन करो। विषय छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि, बोलो हरि हरि हरि। फिर के विषय को छोड़ के ये
है ना, गौर नितांत प्रभु के नाम लेकर से रस में मत, मतलब आप जो है क्या हो जाइए, विषय को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूब कर मुख से हरी हरी बोलते रहो। फिर समझा रहे हैं, देखो रे भाई त्रिभुवने नाही ये मन दयाल दाता, समझ लो, देखो भाई इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई है ही नहीं, है ना, इवन कृष्ण भी इतना दयालु नहीं है, है कि नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, सब छोड़ के आओ, है ना, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। लेकिन महाप्रभु क्या कह रहे हैं, गृह थाको बने थाको सदा हरि बोलि डाको, चाहे घर में रहो मतलब गृहस्थ हो या बने थाको या ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ या सन्यासी हो, आपका काम क्या है, हरि का नाम लेना, है ना। तो इसलिए इतना दयालु कोई है नहीं, इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है और पाषाण भी विदीर्ण हो जाता है। झारखंड जंगल में सारे पशु नाचने लगे महाप्रभु के कीर्तन सुनकर, और कई जगह में महाप्रभु जो है, जैसे जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जिस जगह में उंगली रखे वो पत्थर भी पिघल गया, या उनके आँखों से अश्रु निकलते थे तो जो जिसके ऊपर खड़े होते थे वो पत्थर भी पिघल गया था, उसको प्रताप रुद्रदेव अपने घर में ले गए थे, है ना। एक बार कटक में महानदी को देखकर महाप्रभु के ही यमुना है, दौड़ दौड़ के गए कूदने के लिए महानदी, यमुना में था महानदी, जो आखिर जो पत्थर था उसने सोचा अरे महाप्रभु आ रहे हैं और मेरे ऊपर जो चरण रखेंगे तो उनको कष्ट होगा, तो वो पिघल गया, है ना, कादू जैसे हो गया वो, तो महाप्रभु उसके पर चरण रखे। तो कहने का मतलब है पत्थर भी पिघल जाता है, और लोचनदास ठाकुर हमारे बारे में कह रहे हैं, मैं तो सांसारिक विषय में ही रमा पड़ा रहा और गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचनदास कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम दुख के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। अगर हम महाप्रभु का नाम लेकर, है कि नहीं, महाप्रभु का नाम लेकर अगर हमारा हृदय नाच नहीं रहा है, इसका मतलब हमने कुछ बुरा कर्म किए हैं, है ना। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे हमार मन, नाच रे हमार मन, नाच रे हमार मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे हमार मन। निताई चैतन्य बोलने से मन क्या होना चाहिए, नाचना चाहिए, है मतलब बार 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 लेने के लिए मन करना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो क्या है, ये हमारे कर्मों का कारण है, है ना। तो श्री लोचनदास ठाकुर जी का जन्म हुआ 1523 में, एक जगह है कोग्राम, कटुआ ब्लॉक के पास पड़ता है वर्धमान जिला में, और उस जगह में उनका जन्म हुआ। तो कुछ दिन के बाद उनके विवाह करा दिया गया, क्योंकि बाल्य विवाह होता था उस समय, तो किसी एक लड़की से के साथ उनके विवाह करा दिया गया। तो जो बाल्य विवाह में क्या होता था कि क्योंकि बच्ची छोटी होती है तो उसको वो मायके में रहती है, और जब बड़ी हो जाती है फिर जाके ससुराल आती है। तो वो मायके में रही, और लोचनदास ठाकुर जो है उन्होंने श्रील नरहरि सरकार ठाकुर जी से दीक्षा लिया,
हर हर ईश्वर का ठाकुर आप जानते होंगे, हम रोज गौरा आरती में गाते हैं ना कि बानर हरि आदि करी चामर ढुलाय। तो नरहरि सरकार ठाकुर के शरण में उन्होंने दीक्षा लिए और उनकी सेवा किए। तो जब सेवा किए और ससुराल वाले देखे कि अरे ये तो साधु बन रहा है, हमारे बच्ची का भाग्य तो फूट जाएगा, तो जाके नरहरि सरकार ठाकुर के ठाकुर को जाके उनके ससुर जी आके बोले कि ऐसा है, देखिए साधु बन रहा है, ये पहले से विवाह किया है आपकी जानकारी के लिए, आप इसको ब्रह्मचारी नहीं बना सकते, साधु नहीं बना सकते। तो नरेश का ठाकुर लोचनदास ठाकुर को बोले कि तुम जाओ और जाके अपने पत्नी को लेकर आओ। तो बेचारे बहुत दिनों के बाद ससुराल जा रहे थे क्योंकि बहुत दिनों से पहले शादी हुई थी। तो गए तो गांव में पहुंच गए, अमेटपुर गांव था, गांव में पहुंच गए कहाँ कौन सा घर कैसे कुछ याद नहीं है। तो एक लेडीज को देख के बोले माता जी ये फलाने का घर कहाँ है, अपना ससुराल का बताया फलाने का घर कहाँ है। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे जाएंगे और जो इस गली में जो दूसरा घर होगा वो दूसरे घर का वही घर है। तो चले जाके पहुँचे उस घर में, और उस घर में पहुँचने के बाद पता चला जो लेडी जो बोली थी वो उनकी पत्नी थी, और माता जी तो संबोधन कर दिए हैं, अब पत्नी कैसे रहेगी। लेकिन आजकल हम देखते हैं हमारे इस्कॉन में कई भक्त जो है अपने पत्नी को कहते माता जी कह देते हैं, हाँ प्रभु जी वो माता जी जो है। लेकिन उन्होंने कहा कि माता जी जब कह दिया तो फिर पत्नी कैसे रहेगी। तो फिर लेकर तो आए लेकिन पूरी जीवन जो है उनको कैसे देखे, माता जी के रूप में देखे, और कोई पति पत्नी का कोई संबंध नहीं रहा, है ना। तो इस प्रकार आए। तो लोचनदास ठाकुर जी को शिला नरहरि सरकार ठाकुर उन्होंने कहे कि तुम जो है क्या करो कि महाप्रभु का जो है जीवन चरित के ऊपर तुम एक किताब लिखो। तो फिर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, जो किताब लिखना शुरू कर दिया। और वैसे इस किताब का जो नाम दिए थे वो चैतन्य भागवती दिए थे, ये चैतन्य मंगल दिए थे। चैतन्य भाग जो वृंदावन दास ठाकुर जो है वो भी उनका किताब का नाम क्या दिए थे, चैतन्य मंगल दिए थे। तो बाद में जो पता चला कि वृंदावन दास ठाकुर भी चैतन्य मंगल लिखे हैं, लोचनदास ठाकुर भी चैतन्य मंगल लिखे हैं, तो फिर सारे जो वैष्णव समाज में जो चर्चा हुआ, तो क्योंकि लोचनदास ठाकुर जो है पहले किताब लिखे थे तो इसलिए उनका जो किताब का नाम रखा गया चैतन्य मंगल, और जो वृंदावन दास ठाकुर जी का किताब का नाम रखा गया चैतन्य भागवत। और इवन जो है इवन चैतन्य मंगल में श्रील लोचनदास ठाकुर भी श्रील वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान करते हैं। सूत्रखंड 1.35 में कहते हैं कि मेरा प्रणाम है वृंदावन दास ठाकुर को, जिन्होंने क्या किए हैं, जिनका जो गीत है चैतन्य भागवत का जो गीत है वो पूरे ब्रह्मांड को जो है वो मोहित करता है। तो इस प्रकार जो है उन्होंने चैतन्य मंगल लिखे हैं। तो जो चैतन्य मंगल इसको ये जो है बहुत सुंदर जो
राग में लिखा हुआ है। कहते हैं कि ये जो है पंचाली स्टाइल में लिखा हुआ है, और ये जो चैत्र मंगल लिखे हैं तो एक कोई एक जो फूल का पेड़ था तो उसी के पेड़ के नीचे एक पत्थर के ऊपर बैठकर लोचनदास ठाकुर पूरा ये चैत्र मंगल लिखे हैं। और इनको ऐसा माना जाता है कि बंगाल का सबसे अर्लीस्ट हिस्ट्रिकल राइटर, मतलब सबसे पुराना जो है ऐतिहासिक हस्कार बोलते हैं ना, मतलब जो इतिहास लिखते हैं तो सबसे पुराना माना जाता है बंगाली का, मतलब इनके बाद ही जो लोग लिखे हैं इतिहास लिखे हैं इनके बाद लिखे हैं, तो इनको सबसे पुराना जो है इतिहासकार के रूप में गिना जाता है। और तो इस प्रकार जो है लोचनदास ठाकुर चैत्र मंगल लिखे हैं, और जो चैत्र मंगल है उसमें कई सारे लीलाएं हैं जो कि अद्भुत है, मतलब जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर नहीं लिखे हैं उसके बारे में है। अभी मैं लास्ट सोमवार को पढ़ रहा था कि कैसे सची माता जो है विलाप कर रही है, महापुरुष संन्यास लेंगे और सची माता विलाप कर रही है, तो सची माता और महाप्रभु के बीच में जो वार्तालाप है बहुत डिटेल्स था उसमें कि कैसे महाप्रभु जो है उनको समझा रहे हैं और उनको जो है ध्रुव महाराज का पूरा लीला सुना रहे हैं महाप्रभु जो है इनको क्या बोलते हैं सची माता को, है ना। तो इस प्रकार जो है बहुत डिटेल्स, कई सारे लीलाएं बहुत डिटेल्स है, और इसमें जैसे जो विष्णुप्रिया है, विष्णुप्रिया के साथ जो महाप्रभु का जो वार्तालाप है जो संन्यास लेने से पहले, वो भी बहुत डिटेल्स जो है लोचनदास ठाकुर चैत्र मंगल में लिखे हैं। वैसे ये जो चैत्र मंगल जो लिखे हैं ये मुरारीगुप्त का चैतन्य चरित जो डायरी है वो चैतन्य चरित से जो है ये जो है रेफरेंस लिया गया है। और तो लोचनदास ठाकुर जब चैतन्य मंगल लिखे तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ लिख नहीं पाए, जबकि ये नित्यानंद प्रभु जो है वो शिष्य थे, किन नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे नरहरि सरकार ठाकुर, तो इसी कारण उन्होंने नित्यानंद प्रभु के लिए भी कई भजन लिखे। जैसे एक भजन है, निताई गुण मणि आमार निताई गुण मणि, आनिया प्रेमेर बन्या भसाई लो बनी, कह रहे कि मेरे प्रिय नित्यानंद समस्त सद्गुणों के रत्न हैं, मेरे भगवान नित्यानंद समस्त सद्गुणों के मणि और भगवत प्रेम पूर्ण आनंदमय भाव की बाढ़ लेकर आए हैं जिसने पूरे विश्व को उसमें डुबो लिया है। प्रेमेर वन्या लोइया निताई आइला गोड़ देशे, डुबिलो भकत गण दिन हीन भाषे। तो कह रहे हैं इस भाव विभल कर देने वाली प्रेम के बाढ़ को लेकर जब वे भगवान चैतन्य के आदेश पर जगन्नाथपुरी से बंगाल वापस लौटे, नित्यानंद प्रभु भी चैतन्य महाप्रभु के साथ कहाँ पहुँच गए थे, जगन्नाथपुरी पहुँच गए थे, है कि नहीं। लेकिन महाप्रभु ने आदेश दिया कि नहीं तुम जाओ नवदीप जाओ और गृहस्थ आश्रम में जाओ। महाप्रभु के आदेश के बाद जाके नित्यानंद प्रभु गृहस्थ आश्रम में गए थे। अब गृहस्थ आश्रम में जाओ और वहाँ पर जाके क्या करो, प्रचार करो। तो निताई ने भक्तों की सभा की बाढ़ लगा दी, नाम हट है, नाम का क्या बना दिए, हट बना दिए ना, है कि नहीं।
नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन हैं आशिया छे नाम हट जीवेर कारण है ना। नाम का क्या बना दिए, हाट मतलब मार्केट है कि नहीं। मार्केट में बहुत कुछ चीज़ मिलता है, कई यूटेंसिल मार्केट, सब्जी मार्केट है कि नहीं, सब्जी ले लो सब्जी है कि नहीं, बर्तन ले लो बर्तन। लेकिन नाम हट में क्या मिलता है, नाम ले लो नाम। बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। तो नाम का हाट खोल दिए, मार्केट खोल दिए नित्यानंद प्रभु। पतित अभक्त डूबे नहीं परंतु फिर भी वे उस प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव रूपी सागर में तैरते रहे तैरते रहे। दीनहीन पतित पामर नाही पाछे ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबाकारे जाचे। करे भगवान नित्यानंद ने इस उच्च कोटि को के प्रेम को बिना किसी मूल्य के वितरित किया, कोई पैसा नहीं लिए या कोई शुल्क नहीं है, जो कि ब्रह्मा जी के लिए भी प्राप्त करना कठिन था। यहाँ तक कि पतित और नीच जीवों को भी, जो इसे प्राप्त करने के इच्छुक भी नहीं है, उनको भी दे दिया है कि नहीं। जगाए माधा इच्छुक थोड़ी थे, उनको भी दे दिए है कि नहीं। आबद्ध करुणा सिंधु निताई काटिया मुहान घरे घरे बुले प्रेम आमिया रबान। कह रहे हैं कि श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने बंद दया के सागर को खोलकर कृष्ण प्रेम का हर घर में मुक्त रूप से वितरण किया। जो दया का सागर जो है वो बंद हो गया था, हैं? उस बंद दया के सागर को क्या कर दिया, खोल दिया, खोल के बाढ़ ले आए हैं, है कि नहीं। और आप सब भी उनके उन्हीं के ही पार्षद है, फॉलोअर है, नित्यानंद प्रभु के फॉलोअर है, हैं? सुबह सुबह है कि नहीं, उस दया के सागर का आप लेकर जाते हैं, हैं? गली गली में है कि नहीं, लोगों के सोते सोते भी किसी के कान में लग पहुंच जाता होगा। कुछ लोग उसमें सपने भी देखते होंगे, और सपने देखते देखते जो कान में घुसता होगा तो उसी में वो सपने में देखते होंगे कि हम भी हरिनाम में है है ना। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है ना। और फिर लोचनदास कह रहे हैं, लोचन बोले मोरे निताई जेबाना भजिलो जानिया सुनिया से ही आत्मघाती होइलो। कि जिसने भी मेरे निताई की आराधना नहीं की है या उनके द्वारा दिए गए सुअवसर का लाभ नहीं उठाया है, वो जानबूझकर आत्महत्या करता है। तो हमारा काम है नित्यानंद प्रभु को सबके पास पहुंचाना, है ना। सब लोग नित्यानंद प्रभु को जाने, ठीक है नहीं। मैं एक्चुअली जो गौर निताई लाया था और रथ बनाया था, मेरा यही ये था कि है ना, हर जगह में गौर निताई का शोभा यात्रा हो, हर जगह में हो, है ना। लोग नहीं जानते हैं एक्चुअली बिहार में, मुझे लगता है कि 90% या 95% लोग नहीं जानते हैं गौर निताई महाप्रभु को। जानते हैं कि हाँ भाई कोई नित्यानंद प्रभु तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा बहुत जानते हैं किस रूप से, हाँ इतिहास में थे, वो एक भक्ति आंदोलन शुरू किए थे, बोला ऐसे भक्त ऐसे जानते हैं, हाँ भाई कोई साधु संत जैसे है ना, है ना, इसी प्रकार जानते हैं ना, है ना। इसलिए मैं इस बार थोड़ा महाप्रभु का किताब जो ना, छोटा छोटा किताब बहुत सारा मंगवाए हूँ इस बार। तो रथ यात्रा में बहुत ज़्यादा उसको सोच रहे हैं वितरण करेंगे, ताकि वो घर घर में पहुँचे और
चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को सब लोग जाने, है ना। जानेंगे तो क्या होगा, है? जो है वो उनके अंदर वैराग्य आएगा, है कि नहीं। कृष्ण से आसक्त होंगे, है कि नहीं। तो ये अवसर जो है हमें देना चाहिए ना। एक और भजन गाते हैं लोचनदास ठाकुर, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बड़ाय, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दिछे न बिलाइया। तो क्या कहते हैं कि श्रेष्ठ एवं आदरणीय भगवान नित्यानंद राय कभी भी क्रोधित नहीं होते हैं। माधाई ने क्या किया, मारा नित्यानंद प्रभु को, मार के जो है खून निकाल दिया, फिर भी नित्यानंद प्रभु क्रोधित नहीं हुए। महाप्रभु क्रोधित हो गए थे, सुदर्शन चक्र को बुला लिए थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने क्या किए जो है चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना किए कि जो है आपका अवतार नहीं हुआ है लोगों को मारने के लिए, बल्कि लोगों को प्रेम देने के लिए हुआ है। तो क्रोधित नहीं होते हैं नित्यानंद प्रभु, क्योंकि वे परम दिव्य आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है। मिथ्या अभिमान की सभी भावनाओं से रहित निताय नगर में चारों ओर भ्रमण करते हैं। जारे देखे तार कहे दंते तृण धरी, आमारे किनिया लोई बोलो गोर हरी। जिसको भी देखते हैं वे दांतों के बीच तिनके को पकड़े हुए जोर से चिल्लाकर कहते हैं, कृपा करके गौर हरि की आराधना करके मुझे खरीद लो। नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, मुझे खरीद लो, कोई बात नहीं, मुझे दास बना लो अपना, लेकिन कम से कम गौर हरि का नाम तो लो। बोले गौर हरि, गौर हरि। इसी प्रकार हमारे भी भाव होना चाहिए, विनम्रपूर्वक विनम्रतापूर्वक कहना चाहिए कि आप जो है भगवान का नाम लीजिए, है ना। ए तो बोली नित्यानंद भूमि पड़े गड़ी जाए, सोनार पर्वत जेन धुलाए लौटाए। अतः ऐसा कहकर नित्यानंद प्रभु भूमि पर लुढ़कते हैं और ऐसे पतित प्रतीत होते हैं कि जैसे एक स्वर्ण पर्वत धूल में लुढ़कता है। वे भूमि पर लुढ़कते हैं, घूमते हैं, धूल में अचानक गिरते हैं। वे पृथ्वी के ऊपर गिरते लुढ़कते स्वर्ण पर्वत के समान लगते हैं। धूल में घूमता लुढ़कता हुआ स्वर्ण पर्वत जोर से दहाड़ता है, गौर हरि गौर हरि गौर हरि, और पुनः गौर हरि उच्चारण करता है। हे नव तारे जारो रोती ना जन मिलो, लोचन बोले से ही पापी एलो और गेलो। मतलब लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं, कोई अगर नित्यानंद प्रभु का भजन नहीं कर रहा है तो वो एकदम पापी है। तो कहने का मतलब है नित्यानंद प्रभु को भजन सब लोग करना चाहिए। लोचनदास कहते हैं कि जिस किसी ने भी इनके समान ऐसे अवतार के प्रति प्रेम जागृत करने का अनुभव नहीं किया है वो पापपूर्ण व्यक्ति, पुनर्जन्म वो मृत्यु के चक्र में व्यर्थ ही केवल आता है और चला जाता है, है ना। इस प्रकार जो है और एक भी सुंदर भजन है, निताई मोर जीवन धन निताई मोर जाति, निताई बिहने मोर आन नाही गति। क्या कह रहे हैं, निताई मेरा जीवन धन और निताई मेरी जाति है कि नहीं। जाति लोग आजकल जाति जाति गणना हो रहा था ना अभी जाति जन जाति और जनगणना है कि नहीं।
तो लोचन दास ठाकुर है, मेरा तो जाति नित्यानंद है, निता ही है, है ना। और निताई के बिना मेरा कोई और गति नहीं है। संसार सुखर मुखे तुल्या दिया छाई, नगरे मागिया खाबो गाइया निताई। कह रहे हैं सांसारिक सुख के मुख पर मैंने राख डाल दी है, जो सांसारिक सुख है ना, सांसारिक सुख मतलब पत्नी सुख, बच्चे का सुख है कि नहीं, और ससुराल वाले का सुख है ना। कई बार कई जोक्स दिखाते हैं कि ससुराल वाले जो है ये दामाद को कैसे ट्रीट करते हैं ना? पहले जाएंगे तो 10 गुलाब जामुन खिलाएंगे है ना, दोबारा जाएंगे 5 खिलाएंगे है ना, फिर धीरे 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 4-5 साल के बाद पानी ग्लास भी नहीं पूछेंगे है कि नहीं। तो शुरू शुरू में जो ससुराल का जो सुख मिलता है तो कह रहे हैं ये जो सुख के मुख पर मैंने राख डाल दी है, और नगर नगर में भ्रमण करते निताई का नाम गान करते हुए मैं मधुकरी मांगूंगा, क्या जरूरत है ना। चलो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भागवतों में दूसरे स्कंद में कह रहे हैं, क्या नदी और झरना ने पानी देना बंद कर दिया है ना, क्या क्या जो पेड़ जो है, पेड़ का क्या बोलते हैं, पेड़ का जो जो कपड़ा पहनते हैं, पेड़ के छाल, क्या पेड़ पेड़ ने छाल देना बंद कर दिया है, क्या जो जो पेड़ जो है कुछ फल देना बंद कर दिया है, है? जब अपना हाथ है, कह रहे हैं जब अपना हाथ है तो तकिया की क्या आवश्यकता है तो कह रहे हैं कि जब ये सब है तो क्या जरूरत है, है? जो है आपको गृहस्थ के ऊपर निर्भर होने का, जो वैरागी व्यक्ति है उसको गृहस्थ के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, है? तो उसी को कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं क्या कुछ नहीं कर, मुझे क्या करना है, बस निताय का नाम लूंगा और नाम लेके मधुकरी करूंगा, है ना। एक एक भक्त जो है अभी कुछ दिन पहले मुझे पूछा, 2-3 दिन पहले पूछा कि क्या होगा अगर हम अगर निकल जाए तो, निकाल दिया जाए तो, है ना। मैंने कहा निकाल दिया जाए तो एक करताल तो हमें तो मिल जाएगा ना एक करताल तो ले लेना कम से कम, करताल ले लेना और मार्केट में चले जाना, महामंत्र जपना, भिक्षा करना, किसी चीज की कमी होगी। अरे तुम्हारा जितना रिक्वायरमेंट है उससे कई गुना चीज तुम्हारे पास आ जाएगा। रोज अगर 1 करताल लेके चले गए और भिक्षा किए तो तुम्हारे पास तुम्हारे रिक्वायरमेंट से बल्कि ज़्यादा आ जाएगा। इसीलिए तो हमारे जो जो आचार्य जो है मधुकरी करते थे, मधुकरी में 5 में जाते थे मैक्सिमम मांगने के लिए, 5 में। अगर 1 से उनका दिन का चर्या हो जाएगा तो फिर दूसरे परिवार में जाते ही नहीं थे, नहीं है तो 5 में जाते थे। अगर 5 से कुछ नहीं मिला इसका मतलब भगवान जो है चाहते हैं आज मैं भूखा रहूं, तो ऐसा कभी होता नहीं था, बट इसको भी भगवान की इच्छा मानते थे, है ना। और तो और आप माधवेंद्रपुरी का ले लो, माधवेंद्रपुरी तो किसी से मांगते भी नहीं थे, है कि नहीं, किसी से मांगते भी नहीं थे, ना मांगते हुए भी उनके पास प्रसाद आके पहुंचता था,
एक बार कोई नहीं दिया तो भगवान स्वयं आ गए मठा पिलाने के लिए, स्वयं आ गए भगवान, है ना। तो है ना, इसलिए कह रहे हैं ऐसे ही करूंगा मैं। जे देशे निताई नाई से देशे ना जाबो, निताई विमुख जनारो मुख ना देखिबो। क्या कह रहे हैं, कह रहे कि जिस देश में निताई नहीं उस देश में मैं नहीं जाऊंगा, और जो लोग निताई के विमुख होंगे उनका मुख भी देखना नहीं चाहूंगा। वैसे नित्यानंद प्रभु भी गया आए थे, तीर्थ करते समय नित्यानंद प्रभु गया आए थे, है ना। गंगा जा रो पद जल हर शिरे धरे, हे न निताई न भाजिया दुख पाई मरे। जिनके चरण कमल से गंगा जल आ रहा है उसे शिव अपने सिर पर धारण करते हैं। जो वास्तव में निताई का भजन नहीं कर रहा है उसको उनको मृत्यु के बाद अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। लोचन बोले मोरो निताई जेबा ना ही माने, आ न लो भेजाई तारो माझ मुखे खाने। श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि जो निताई को स्वीकार नहीं करता उसके मुंह में मैं अग्नि है अग्नि डाल दूंगा। ऐसे बहुत ही है ना, मतलब नित्यानंद प्रभु के इतने स्ट्रांग पार्षद है, भक्त है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना, हमें जो है नित्यानंद प्रभु के भजन तो करना चाहिए और साथ में नित्यानंद प्रभु के जो गुणों को उनके नामों को सबके पास पहुंचाना चाहिए, तभी हैं तभी हम लोचनदास ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और लोचनदास ठाकुर को प्रसन्न करेंगे तो अपने आप ही नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु को प्रसन्न होंगे, है ना। एक और भजन है, के जाबे भाई भव सिंधु पार, धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार। अरे भाई भव सागर से पार कौन जाएगा, यह कलियुग धन्य है क्योंकि स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होकर हरि नाम रूपी नाव लेकर अवतरित हुए हैं। महाप्रभु अवतरित हुए हैं हरि का नाव लेकर। आमार गोरांगेर घाटे अदान खेया वोय, जड़ अंध आतुर अवधि पार हय। क्या कह रहे हैं कि अतः जो इस भवसागर से पार जाना चाहता है वे सब मेरे गौर सुंदर के घाट पर आ जाओ, जहाँ पर नाम रूपी नौका तैयार खड़ी है। घाट पर आ जाओ, कौन खड़ी है, नाम रूपी नौका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम रे नौका खानी श्री गुरु कांडारी, संकीर्तन करो यालो दुई बाहु पासारी। स्वयं गुरुजी इसके नाभिक है, जो हरिनाम संकीर्तन रूपी चप्पू या नाव चलाने वाले डंडा हाथ में लिए हुए हैं। इस घट पर जड़ अंधा तथा कातर जो कोई भी क्यों ना हो उसे निशुल्क हो पार कराया जाता है। कोई भी हो उसके लिए कोई योग्यता नहीं है, है कि नहीं। सूरदास जी अंधे थे लेकिन भगवान के भक्त थे, है ना। सब जीव हईलो पार प्रेमेर बातासे, पड़िया रहिलो लोचन आपनार दोषे।
कह रहे हैं कि पदकर्ता श्री लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं कि सब जीव तो प्रेम की हवा के स्पर्श से ही पार हो गए, परंतु मैं अपने कर्मों के कारण ही यही पड़ा रह गया। तो कहने का मतलब है कि जो पश्चाताप है, ये पश्चाताप से है ना, ये पश्चाताप ही जो है से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान जो है वो हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं भक्त को आगे बढ़ने के लिए। तो इसी प्रकार विनम्र होकर जो है हमें क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार जो है श्री लोचन दास ठाकुर उन्होंने 1589 में उन्होंने अप्रकट हुए और उनका जो समाधि है श्रीपट में है। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। चैतन्य मंगल की जय। श्री श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।